मान गया कि काला तो हूँ लेकिन थोड़ा सा दिलवाला भी हूँ, फोटो नहीं अच्छा आता कोई बात नहीं, लेकिन जो लोगों के दिल में मेरा फोटो है वो सबसे अच्छी बात है। Alright. So I believe that you know the capturing in the heart is very important. Camera सब खरीद सकते हैं, mobile सब खरीद सकते हैं, मैंने भी 46,500 का खरीद दिया। Alright. तो ठीक है, अब क्या है कि मैं इसमें फोटो सेल्फी वगैरह हम लोग लेते रहते हैं, बट क्या है कि जो आप सेल्फी हमारी लेते हैं, जो आप फोटो खींच के रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक चीज पे आते हैं कि आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है। आपके टीचर्स, आपके गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आपको बहुत कुछ बताए हैं, आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे जो है कि अमरजीत सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, आशुतोष सर हैं, मंजीत सर हैं, अल्ताफ सर हैं, जय सर हैं, जीतू सर हैं, विशाल सर हैं, रिजवान सर हैं, रिधिमा मैम हैं, ये सब जो है टीचर्स बहुत कुछ आपको सिखाएं। यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप अपना बर्थडे मना के जाते हैं, टीचर झाड़ू लगाते हैं, आपको मिलेंगे टीचर। आप यहाँ पे पटाखा, बलून, गुब्बारे छोड़ के जाते हैं, हम लोग झाड़ू उठाते हैं शाम में, हम झाड़ू लगाते हैं। कभी ये नहीं होता कि आ जाए दाई लगाते, अगर दाई आके झाड़ू पकड़ती है तो हम भी साथ में पकड़ लेते हैं कि चाची जी आप भी लगाओ, हम भी लगाएं, आधा आप लगाओ आधा हम भी लगाएं, क्योंकि आप हमारे नौकर नहीं, आप हमारी नौकरानी नहीं, आप हमारी चाची हो, क्योंकि इज्जत और सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। राइट, क्योंकि आप सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लाइक मेनी पीपल कम हियर, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। आई हैव ट्रेन थाउजेंड ऑफ पीपल, मैंने कई हज़ार लोग को ट्रेनिंग दी, बहुत से लोग स्पीकर्स बने, लखनऊ, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, गाजियाबाद, चेन्नई तक गए। ऑलराइट, एंड द पीपल आर डूइंग इंटेलेक्चुअल जॉब्स एंड दे आर जस्ट यू नो जस्ट शोइंग देमसेल्व्स दैट दे आर समथिंग, बट द मेन पॉइंट इज दैट आई टीच, मैं ज़्यादातर पढ़ाने की ये कोशिश करता हूँ। आप किताबें पढ़ो, ठीक है, आपको पता है कि फिजिक्स का मतलब होता है मैटर और एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, बायो का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, आपका बैंकिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, विथड्रॉल, डिपॉजिट, इस सारे जो आपके डिफिनेशंस हर सब्जेक्ट के, आपको हर सब्जेक्ट का डिफिनेशन मिल जाएगा। कंप्यूटर इज अ कॉल्ड अ मशीन व्हिच यू वी कैन यूज टू डू आवर टास्क इन अ वेरी हरी टाइम, इन अ वेरी लेस टाइम, ये सारे सब्जेक्ट्स के डिफिनेशन है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट्स के डिफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या साथ में आप अपनी बॉडी की डिफिनेशन पढ़ते हैं? आपको जो ये भगवान ने, जो खुदा ने हाथ दिए हैं, ये किस लिए दिए? कभी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स की डिफिनेशन आप जानते हैं, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं। केमिस्ट्री की डिफिनेशन आप जानते, उसके लिए भी सलाम करता हूं आपको। आप बायो की डिफिनेशन जानते हैं, आप बैंकिंग की डिफिनेशन जानते हैं, आप इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन जानते हैं, आप इंग्लिश की डिफिनेशन जानते हैं, आप केमिस्ट्री की डिफिनेशन जानते हैं, आप जो है कि हर सब्जेक्ट की, थियोलॉजी की, बायोलॉजी की, साइकोलॉजी की, आप सबकी डिफिनेशन जानते हैं, याद करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपको भगवान ने, खुदा ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके माँ बाप ने आपको जो ये हाथ दिया, ये ब्यूटीफुल आइज दी, आंखें दी, ये जो गाल दिए, ओट दिए, माथा दिया, बाल दिया, जो आपको पैर दिए, जो आपको पेट दिए, क्या आप उसकी डिफिनेशन आपको पता है? कभी उसके बारे में सोचते हैं कि जो आपको खुदा ताला ने, ऊपर वाले ने जो दिया है, कि उस चीज का डिफिनेशन क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ दैट, योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट, गेटिंग द पॉइंट्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे। राइट, आई नीड अ ग्लास वाटर एक्चुअली, राइट, आई नीड वाटर बिकॉज जब भी सेशन होता है तो क्या होता है, मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है। सेशन होने से एक दिन पहले मैं बहुत कस के बीमार होता हूँ, अब क्या है क्या नहीं है, भगवान भी इम्तिहान लेता रहता है कि भैया तू जा रहे है ना अपने आप को जमाने लोगों में, तो चल मैं तुझे इधर जमा दे रहा हूँ। राइट, तो इट हैपेंस विथ मी, बट उसके लिए मुझे चिंता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि सीखेंगे सिखाएंगे ज्ञान को बढ़ाएंगे, हम कुछ करके जाएंगे, ओ गुरु हो, डरते नहीं हम धूपों से, लड़ते नहीं हम रूपों से, हमने तो ये ठाना है कुछ करके दिखाना है। ओ साइकिल से हम आते हैं, माथे से पसीना बहाते हैं, ओ साइकिल से हम आते हैं, माथे से पसीना बहाते हैं, हमने तो ये ठाना है कुछ करके दिखाना है। ओ जन्म लिया,
जन्म लिया है हमने, वचन दिया है हमने, माता पिता को हंसाना है, उनका आशीर्वाद पाना है, हो उनको तो हंसाना है, उनका आशीर्वाद पाना है, हमने तो ये ठाना है, कुछ करके दिखाना है, ओ गुरु ओ गुरु। तो सब लोग जो है कि जितने गाने नए मैं गाता हूँ सब अपने से लिखता हूँ, राइट, खुद के राइटर, कहीं से ऐसा नहीं कि दिल्ली से चुरा लिया, मुंबई से चुरा लिया, खुद का लिखता हूँ, खुद से गाता हूँ, राइट। और खुदा ताला ने, भगवान ने आवाज़ भी अच्छी दी है, कभी कभी गला फंस जाता है, दिक्कत होती है एक्चुअली, हाँ, गाते गाते दिक्कत हो जाती है, राइट। तो आज जो है कि बताते हैं, अब ये जितनी भी चीजें हैं, राइट, अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हाट हैपेंस इन आवर लाइव्स, मेरा छोटा भाई था, वो एक मोबाइल लिया था, मतलब सस्ता मोबाइल था, तो मैं उसका मोबाइल हाथ से छीन लिया, तो दौड़ के गया जो है कि मेरा बड़का वाला मोबाइल ले लिया, ये वाला। अब जैसे दौड़ के लिया और कह रहा है मैं पटक दूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अपना मोबाइल पकड़ दो, अपना तू मोबाइल पकड़, मेरा जल्दी से दे दे। अगर आपको जिस दिन पता हो जाए कि आज हमारे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने से, फालतू घूमने से, कुछ बुरा करने से अगर आगे हमारा बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप कभी भी वो नुकसान चाहोगे नहीं, अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करके पढ़ोगे, राइट गाइस। तो इसलिए जो है कि आपको ये चीज़ समझना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं इससे आगे आने वाले कल में जो बड़ा नुकसान होने वाला है, क्या बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो आपका काम चल जाएगा। आई नीड माई जस्ट बैक द गिफ्ट बैक, राइट द बॉल, आर यू हैविंग दिस, या नहीं, गर्लफ्रेंड को नहीं देने जा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है कि गिफ्ट है, क्रीम पैक करवाया हूँ, ये भी बता दो, चलो ये गिफ्ट खोलते हैं, राइट, सरप्राइज हो सकता है कुछ, इसमें सरप्राइज हो, राइट, आर यू रेडी, आर यू रेडी, तैयार है आप लोग, चलो एक बार पकड़ के मुझे फिर से दे दो, ओके। तो ये गिफ्ट है, चलो खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, मैडम जी देख रही हैं आप, इसमें क्या हो सकता है, आप बताइए, आप तो बहुत गिफ्ट ली होंगी, दी होंगी, मतलब आप ठीक है, बताइए, क्या हो सकता है, मतलब कुछ अंदाजा जो है कि क्या, सर मैम बताइए, अच्छा यू कैन गेस, तो गेस करिए, बताइए क्या है, क्या हो सकता है, व्हाट इज देयर, क्या है, चलिए, नहीं पता आपको, हाँ क्या, जो मेरी इच्छा है, चलो ठीक है, हम ओके वेट, ऑलराइट वेट फॉर सम टाइम, ये माइक भी परेशान करके रखा है, फाइन। तो चलो गिफ्ट देखते हैं कि क्या है, एक्चुअली खोलते हैं, कुछ सरप्राइज होगा, जल्दी करते हैं, हाँ बॉल, द बॉल इज इनसाइड, अब नाउ द बॉल एक्चुअली, राइट। अभी गिफ्ट जब तक खुल रही थी तब तक आपके अंदर मन में क्या था कि अरे भाई क्या है क्या है क्या है इसमें, राइट, आप बड़ा जो है कि मन आपका मिचलित था, राइट, मिचलित क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हिंदी में भाई, मिचलित था, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि ये बॉल निकला, उसी तरह से जब आप क्लास में आते हो, टीचर के सामने बैठते हो, तो आपकी कुछ ना कुछ उम्मीदें